देखो बच्चों, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और ये क्वेश्चंस होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड। देखो क्या होता है, है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। हालांकि देखो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी इसका बहुत जगह पर यूज हुआ था। देखो क्या होता है, ऐसे मान लो अगर हम 1 प्लस एक्स की पावर n ले लें तो होता है एन सी जीरो, एन सी वन इंटू एक्स, एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, अब टू क्या होता है एन सी एन एक्स की पावर n। देखो ये बात हमको मालूम है। देखो क्या होता है, इसमें ये जो आ रहा है ना एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू अप टू एन सी एन, इनको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अब देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर जैसे ये एन सी जीरो है, एन सी टू है, एन सी फोर है। देखो ध्यान दो, जैसे ये फर्स्ट प्लेस पर आया, ये थर्ड पर आया, ये फिफ्थ पर आएगा, है ना, तो ये ऑड प्लेसेस पर आ रहे हैं, तो इनको कहा जाता है ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, है ना, इनको कहते हैं ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अब देखो जैसे यहाँ पर एन सी वन है, एन सी थ्री है, एन सी फाइव है, इनको कहते हैं इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। जैसे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते सर देखो यहाँ तो इवन नंबर नीचे आ रहे हैं तो इनको इवन कहना चाहिए, है ना, या यहाँ पर ऑड नंबर नीचे आ रहे हैं तो इन्हें ऑड कहना चाहिए। ऐसा नहीं है, इनको ऑड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑड प्लेसेस पर आते हैं, है ना। देखो जैसे ये पहला प्लेस, तीसरा प्लेस ऑड आ गया, देखो ये दूसरा, चौथा, तो देखो ये इवन प्लेसेस पर आते हैं, इसलिए इनको इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहा जाता है। देखो ध्यान दो, जैसे ये कुछ प्रॉपर्टीज तो हम पहले से ही जानते हैं, जैसे मैंने बताया था एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर। ठीक है, फिर देखो एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन बराबर एन प्लस वन सी आर, है ना, ये प्रॉपर्टीज हम लोग कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ही पढ़ चुके हैं पहले से ही। ठीक है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन बराबर एन प्लस वन सी आर, इनको याद रखिए हमेशा। ठीक है, देखो एक बात हमने और भी पढ़ी थी, जैसे मान लो अगर हम इसी में एक्स को वन रख दें तो देखो ये हो जाएगा टू की पावर एन। देखो राइट साइड क्या होगी, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू से लेकर के एन सी एन, देखो ये आ गया सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। देखो ये है ना सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल टू क्या आ गया, टू की पावर एन आ गया, ध्यान। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अब देखो जैसे उसी में अगर मैं एक्स को रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल है ना माइनस वन, अगर मैं x को माइनस वन रख दू उसी में, देखो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, राइट साइड देखो एन सी जीरो, फिर देखो माइनस का एन सी वन, फिर प्लस का एन सी टू, माइनस का एन सी थ्री, एंड सो ऑन। देखो यहाँ पर ये ऐसे चलेगा, देखो जैसे एन सी वन एन सी थ्री है ना, इन सबको नेगेटिव है एक साइड ले लो, तो एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव एंड सो ऑन। देखो राइट साइड क्या बचा, एन सी जीरो, एन सी टू, एन सी फोर एंड सो। देखो मतलब यहां से देखो क्या हो रहा है, ये इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है इनका सम, और देखो ये ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है इनका सम आपस में बराबर है। ठीक है, और देखो कुल मिला करके जैसे अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल अल्फा मान लू, है ना, मान लिया मैंने एन सी वन एन सी थ्री एन सी फाइव का सम और एन सी जीरो एन सी टू एन सी फोर इन सब का सम मैंने अल्फा मान लिया, देखो इनका सम आपस में बराबर है। देखो ये हो गया अपना वही इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम इक्वल टू ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम, इनको मैंने अल्फा मान लिया। देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूं अलग अलग कर दूं, जैसे एन सी जीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर एंड सो ऑन, और प्लस फिर मैं कर दूं एन सी वन एन सी थ्री एंड सो ऑन, देखो तो ये भी अल्फा है ना यहाँ से यहाँ तक, और देखो ये भी अल्फा है,
तो देखो यहाँ से 2α = 2n, तो α = 2n-1, ये हो गया। देखो इसका मतलब ये जो अल्फा है, अल्फा को हटा कर मैं लिख सकता हूँ 2n-1। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम और ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम बराबर होता है, पर 2n-1 के बराबर होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम 2n के बराबर होता है। ये हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा था, इस बात को हम लोगों ने वहां भी सीखा था। अब देखो हम क्या करेंगे, ध्यान दो, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पर बेस्ड। इसको लिखो जरा बच्चों पहले ध्यान से।